सितम कर ये कुर्बत क्या करें। आप फिर आ गए? हाँ, लेकिन शायद इस बार आखिरी दफा। वो एक्चुअली मुझे इस बार अच्छी तरह रियलाइज हो गया है कि मेरा इस तरह तुम्हें बार बार डिस्टर्ब करना मुनासिब बात नहीं। तुम अब किसी की इज्जत हो, किसी की बीवी हो, और शहरोज के लिए तुम्हारी जो भी इंटेंशंस हैं मैं उनसे भी अच्छी तरह आगाह हूँ। पर मुझे ये भी पता है कि तुम उसको छोड़ के मेरे पास कभी भी नहीं आओगे, और फिर मैं क्यों बिला वजह अपना और तुम्हारा टाइम ज़ाया करूँ। देखो प्लीज़, हो सके तो मुझे इन सब के लिए माफ़ कर देना। आई एम रियली सॉरी। ये सब आप कह रहे हैं? हाँ, तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो? आपको क्या लगता है ये सब सुनने के बाद मुझे हैरान नहीं होना चाहिए था? हाँ, हैरान होना तो बनता है। मैंने जिस तरह तुम्हें तंग किया है, अब तुम्हें मेरी बातों पे यकीन थोड़ी आएगा। और इस तब्दीली की वजह पूछ सकती हूँ मैं? इस तब्दीली की वजह तुम नहीं बल्कि एक और नाम। क्या मतलब? तो एक्चुअली लाइबा मेरी जिंदगी में आ चुकी है। लाइबा? एक्चुअली लाइबा ने मुझे रियलाइज कराया कि अब मुझे अपनी जिंदगी की डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर लेनी चाहिए। आई विश कि तुम भी लाइबा से मिलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जरूर। खैर मुझे देर हो रही है, गुड लक। हाँ प्लीज। उसना एक बात और, अब जब मुझे अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो क्या हम पहले की तरह फिर से अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? देखो तुम अपना पूरा टाइम लो, फिर तुम जो भी फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा, और मैं पहले की तरह तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। अपने दोस्त पे इतना तो भरोसा कर ही सकती है। देखो सुफियान, जो कुछ हो चुका है उसके बाद मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहती। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हारी जिंदगी में कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। हाँ है नो, लेकिन मैं तुम्हारा कजन हूँ, किसी ना किसी हैसियत से तो हमें मिलना ही पड़ेगा। इस तरह तो तुम सारे रिश्ते नहीं तोड़ सकती मुझसे। हम आज रात को भी मिल रहे हैं। आज रात को? हाँ, एक्चुअली बाबा ने तुम सबको डिनर पे इनवाइट किया है और फूफो ने हाँ कह दिया। मम्मा ने हाँ कह दिए? हाँ, जिस तरह मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया उस तरह बाबा को भी हो गया। उन्होंने फूफो से माफी मांग ली है और उन्होंने माफ कर दिया। तो चलो मिलते हैं शाम को। आंटी को ना सीरिंग, तुम्हें तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए था ना कि अम्मी को बुरा ना लगे। मुझे बस अभी पता चला। देखो उसने अम्मी ठीक कह रही है, वो लोग जो कुछ कर चुके हैं उसके बाद सुफियान या उसकी फैमिली पे हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ मम्मा भी बहुत परेशान है, वो भी इतनी अपसेट हो रही है, बस वो चाहती है कि अब हालात ठीक हो जाए। तो आंटी चली जाए ना, अम्मी ने भी तो यही कहा था कि अगर आंटी वहां जाना चाहती है तो चली जाए। मुझे लगता है मम्मा हमारे खातिर माहौल को ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। वो नहीं चाहती कि कोई और टेंशन हो। उसने जो कुछ भी है मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, और मैं तुम्हें भी यही कहूंगा कि तुम सुफियान या उसकी फैमिली से नहीं मिलोगे। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम मजीद अम्मी को हर्ट करो, समझ गए ना मेरी बात को? आपको पहचान ही कहाँ है लोगों की। मैं समझी नहीं आप क्या कह रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम उष्णा हो? जी। कौन है आप और उष्णा से क्यों मिलना चाहती हैं आप?
यकीनन तुम्हारी माँ भी इतनी ही खूबसूरत होगी जिसने अपनी अदाओं के जाल में फंसाकर मेरे बेटे की जान ले ली। उषा अंदर जाओ, जाओ अंदर जाओ। आखिर आप हैं कौन और किसकी बात कर रही हैं? मैं कौन हूँ? मेरा तारुफ तो काबिले फख्र है, लेकिन ये लड़की कौन है ये आपके लिए बाइस शर्मिंदगी होगा। ये क्या कह रही हैं आप? आई क्यों है आप यहां? चाहती क्या है? दादी हूं इसकी। दादी? दादी आपके घर की हर चीज की नफासत और खूबसूरती देख के बड़ी मुतासिर हुई थी नहीं, लेकिन बहू के चुनाव में इतना घाटे का सौदा कैसे किया आपने? समझ में नहीं आई ये बात। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? एक सेकंड ज़ैनब, एक सेकंड उनको बात करने दो, खुल के बताएं आप क्या कहना चाह रही हैं। आपको मालूम है उष्णा की रगों में दौड़ने वाला खून किसका है? एक नाचने गाने वाली औरत की बेटी को आपने बहू बना लिया है, हैरत है मुझे। बस कर दें आप, कैसी घटिया बातें कर रही हैं आप, चलिए यहां से। आप क्यों सुन रही हैं इनकी बातें? चुप कर जाएं एक सेकंड। देखें मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, आपको कुछ कह नहीं रहा, आप एक लफ्ज़ और नहीं बोलेंगे। मैं अपनी बीवी पे कोई तोहमत बर्दाश्त नहीं करूंगा। उष्णा तुम अंदर जाओ। तोहमत? ज़ैनब शायद तुमने इन लोगों को सच्चाई बताई नहीं। आपने एक ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाया है जो शरीफ खानदान से जुड़ने के लायक नहीं है। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं आप? अपने बेटे की बात कर रही है, ये मत भूलिएगा। इसकी रगों में आपका खून है, बहुत हैरत है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपका बेटा उषा की माँ के साथ मर गया ना, आपकी ये बातें, ये बेरहम बातें सुनकर ना वो मर ही जाता, जिंदा ना रहता। मेरे बेटे ने बहुत बड़ी गलती की थी, बदले में मैंने उससे हर रिश्ता खत्म कर दिया था, यहां तक कि मरते हुए भी उसकी शक्ल नहीं देखी, और उस लड़की की वजह से मेरे बेटे ने भी अपनों को छोड़ दिया और इस दुनिया से चला गया। वो लड़की तो मर गई लेकिन मैंने उसको अब तक कबूल नहीं किया। जब मैंने उसको कबूल नहीं किया, इसको क्या कबूल करूंगी? यहां किस मकसद से आई हैं आप? मरने से पहले मैं सिर्फ इसको एक दफा देखना चाहती थी कि आखिर किस सूरत के पीछे मेरे बेटे ने अपनी जान दे दी। यकीनन तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह खूबसूरत ही होगी, इसीलिए उसने घाटे का सौदा कर लिया। आप जिस मकसद के लिए आई थी वो तो पूरा हो गया है ना, अब बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाइए यहां से और कभी मत आइएगा वापस। मैं जा रही हूं, मैंने तो अपने बेटे को खो दिया। दुआ है कि आपका बेटा सलामत रहे। कभी दादी से बात हुई है? घर में सबके सर पे ना बम फट चुका है। और उष्णा तो किसी को जवाब देने के काबिल ही नहीं रही होगी। बिल्कुल। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मुझे पहले पता होता ना तो उस उष्णा की मैं ऐसी की तैसी कर चुकी होती। लेकिन आपको ये बात किसने बताई? मैं बहुत पहले चाची और मामा की बातें सुन चुका था कि उसकी माँ का क्या बैकग्राउंड है, लेकिन उस वक्त मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इतनी बड़ी बात तो आपको बतानी चाहिए थी। मोहब्बत में इंसान बहुत कुछ कर जाता है। क्या दोनों बहन भाई साथ बैठे हुए क्या बातें हो रही हैं? हम तो अफसोस कर रहे हैं कि इतना बड़ा राज आप लोगों ने अब तक हमसे छुपा कर क्यों रखा। कौन सा राज? यही कि उष्णा की माँ का बैकग्राउंड बहुत बुरा था। ये बात तुम दोनों को किसने बताई है? हमें किसने बताना है? वो बाबा ने फूफो से सुलह कर ली थी तो मैंने सोचा मैं कॉल कर लेती हूँ। मैंने कॉल की तो नईम आंटी ने फोन उठाया तो उनसे बात हो गई, तो उन्होंने, वैसे नईम आंटी बहुत गुस्से में थी इस बात को लेके। लेकिन नईमा और उसके घर वालों को ये बात कैसे पता चली? ज़ैनब
ज़ैनब तो इतना बड़ा राज उनके सामने कभी नहीं लाएगी। ये हरकत तुम दोनों ने तो नहीं की है? अरे आप भी कमाल करती हैं। कोई नहीं मिला तो आपने इल्जाम हम पे लगा दिया, हम क्यों करेंगे ऐसा? हाँ तो ये बात तो सिर्फ हम घर वालों को पता थी, उन्हें कैसे पता चली? उष्णा की दादी, उसको आप क्यों फरामोश कर रही हैं? जब उष्णा और उसकी माँ की नफरत का इजहार करने हमारे पास आ सकती है तो शहरोज के घर भी जा सकती है। उष्णा की दादी? उष्णा की दादी शहरोज के घर कैसे पहुंच गई? उन्हें उनके घर का पता किसे दिया? अरे शहरोज और वहाब अंकल को कौन नहीं जानता, और घर पहुंचने में कितनी देर लगती है, और वैसे भी दादी का स्टेटस बिल्कुल उन्हीं के टक्कर का है। सदफ, तुमने मुझसे उष्णा की दादी के बारे में पूछा था ना? ये सब तुम दोनों ने किया है ना? क्या पागल हो गए तुम दोनों? या अल्लाह, मैं क्या करूं तुम दोनों का? अब ज़ैनब तो ये समझेगी ये सब कुछ रफाकत ने किया, क्योंकि पहले भी उष्णा की दादी को वो ही लेकर आए थे। अल्लाह अल्लाह करके तो सब कुछ ठीक हो रहा था, अब फिर से दुश्मनियां बढ़ जाएंगी। तुम दोनों ने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। देखें, आप एक काम करें, आप बाबा से बात करें कि फुप्पो को इस टाइम उनकी बहुत जरूरत है, और हम दोनों ने किसी से कोई बात नहीं की। उष्णा की दादी खुद गई थी वहां पर यह बात करने। देखिए, उन दोनों की सिचुएशन अभी इस वक्त बहुत ही ऑकवर्ड है। अगर बाबा उनके सर पे हाथ रख देंगे तो सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। तो ये सब कुछ करने से पहले तुम दोनों मुझे तो बता देते ना, अब मैं तुम्हारे बाबा को कैसे हैंडल करूंगी? आपके लिए करना कोई बड़ा काम तो नहीं है, आसान भी नहीं है। ठीक है, करती हूँ मैं तुम्हारे बाबा से बात। गुड। पागल बना के रखा हुआ है मेरी औलादों ने मुझे। मामा करेंगी बाबा से बात, बाबा करेंगे पापा से बात, और इस तरह बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि हमारा काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल। अब आएगा मजा। दूर रहे मुझसे। क्या हो गया उष्णा? कैसी बातें कर रही हो? किसी बात आपने सुना नहीं? उन सबने क्या कहा मेरे बारे में? अब तो मम्मा भी मान गई हैं। तो करती की कोई गुंजाइश तो बचती नहीं ना। मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, बीवी हो मेरी, कौन क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आप तो उस उष्णा से मोहब्बत करते थे जो बहुत बहुत अच्छी थी, उससे प्यार करते थे। मैं तो वो रही नहीं, मैं वो हूं ही नहीं। क्यों खुद को सिया दे रही हो? तुम आज भी मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही हो जैसे पहले दिन थे। वो उष्णा दुनिया में सर उठाकर चलती थी, तो आज खुद से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि तुम दुनिया से नजरें मिलाने के काबिल ना रहो। चल। मैं पहले ही बहुत ऊंचाई से गिरी हूं, इतनी ऊंचाई मुझे जेब नहीं देती। कृष्णा, क्यों इतना ओवरथिंक कर रही हो? तुम्हें कहां पैदा होना चाहिए था, कहां पैदा नहीं होना चाहिए था? इट वॉज अ योर चॉइस। ये तो सिर्फ हम सोचते हैं ना, बाकी सब का क्या? बाकी सब ऐसा नहीं सोचते। अश्ना, कौन क्या सोचते है? क्या नहीं सोचता मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं लोगों की सोच तो नहीं बदल सकता ना, लेकिन
मैं किसी को इस बात की इजाजत भी नहीं दूंगा कि तुम्हें हर्ट करे। रोना आ रहा है ना? रो लो। मैं नहीं चाहता कि थोड़ा थोड़ा करके दुनिया के सामने रो और दुनिया तुम्हें कमजोर समझे। मैं एक मजबूत उष्णा देखना चाहता हूं, बहुत स्ट्रॉन्ग उष्णा। भाई की तरफ जा ही रही हैं तो उष्णा को भी अपने साथ लेकर जाइए। उष्णा वहां पे नहीं जाएगी। उष्णा वहां जाएंगी शहरोज। लेकिन क्यों? क्योंकि आप उष्णा को तलाक दे रहे हैं। क्या? क्या हो गया अम्मी आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? बच्चों वाली बातें कर रही हैं आप तो? ये क्या कह रही हैं आप? शादी आपके लिए कोई मजाक है, कोई खेल है? जब दिल चाहा शादी कर ली, जब दिल चाहा शादी खत्म कर दी। खेल तो आपने हमारे साथ खेला है जैनब, वो भी धोखे का खेल। उष्णा आप अपना बैग पैक कीजिए और जाइए अपनी अम्मी के साथ। उष्णा, उष्णा कहीं नहीं जाएगी। उष्णा यहीं पे रहेगी, इसी घर में रहेगी। उष्णा आप मेरे फैसले के खिलाफ जाएंगे शहरोज? नहीं माँ, हद होती है किसी बात की। अब आप बहुत ज्यादती कर रही। बहुत खूब, मेरे बेटे मेरे शौहर को अपनी तरफ कर लिया आप दोनों ने। नहीं कर सकती, अब ऐसा नहीं कर सकती, हम उष्णा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मत भूलें कि मैं शहरोज की माँ, इस घर की मालिकन। मेरे चाहने की वजह से आज आप इस घर में मेरे शौहर के पहलू में खड़ी मुझसे सवाल कर रही हैं। नहीं मां, कहिए प्लीज स्टॉप इट। क्या तमाशा बनाया हुआ आपने? मैंने अपनी बात खत्म कर ली है। शहरोज उष्णा को तलाक दे रहे हैं और मैंने वकील को कागजात तैयार करने के लिए कह दिया। तुम पागल हो गई हो नहीं मां, तुम पागल हो गई हो। जैसे आपकी मर्जी, जो आप समझ रहे हैं, लेकिन मैंने शहरोज को अपना फैसला सुना दिया है। और मैंने भी आपको अपना फैसला सुना दिया। उष्णा यहीं पे रहेगी इस घर में, इस घर की बहू बनके, और मजीद इस पे कोई बातचीत नहीं होगी। सुन लिया आप? सुन लिया नहीं मां आपने कि शहरोज का क्या फैसला है? आप भी नजरसानी करें अपने फैसलों पर, कहीं ऐसा ना हो कि आप अकेली रह जाए। मैं इस लड़की को किसी कीमत पर अपनी बहू तस्लीम नहीं करूंगी वहाब। अम्मी कैसी जिद पाल ली आपने? हकीकत यही है कि उष्णा मेरी बीवी है और उष्णा ही मेरी बीवी रहेगी। चुप कर जाएं आप लोग, खुदा के वास्ते चुप कर जाएं। कोई मेरा साथ चाहता है और कोई मेरा साथ ही नहीं चाहता। मेरी अपनी भी कोई इज्जत है, जिसका दिल आता है रोंद कर चला जाता है। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी दुख होता है, मुझे भी तकलीफ होती है। कभी कभी कहा जाता है कि मैं लावारिस हूं, कभी कहा जाता है कि मेरी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी, और अब मेरे सर पे तलाक की तलवार लटका दी गई। मेरी भी जज्बात है, मुझे भी तकलीफ होती है। इस तरह से मेरा मजाक मत बनाए, मेरा तमाशा मत बनाए सबके सामने। उष्णा, उष्णा क्या है सब कुछ? I can't believe it, Naima, I swear to God. मेरी बात तो सुनो,
मेरी बात तो सुनो, मुझे मौका तो दो। इस वक्त मुझे किसी से बात नहीं करनी, प्लीज जाए यहाँ से। कैसे छोड़ दूँ? दरवाजा खोलो, एक मिनट मेरी बात सुनो, तुम्हें कसम है, अपनी सफाई तो पेश करने दो। मैंने भी अभी बात करनी है। आप फिक्र नहीं करें, मुझ पे भरोसा रखें, मैं बात कर लूंगा। मैं सबको समझाऊंगा। उसको कहो दरवाजा खोले, तुम्हारी बात सुन लेगी। बोलो, आप अपने रूम में जाएं, रेस्ट करो, मैं बात कर रहा हूँ। मुझे बात, मुझ पे भरोसा है, मुझ पे भरोसा करें ना आंटी, मुझ पे भरोसा करें, मैं बात करता हूँ उससे। बात करो, उसको कहो मेरे से बात करना चाहती हूँ, दरवाजा खोले, मैं उससे बात करता हूँ। Trust me. आ जाए। उष्णा दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। उष्णा आई नो जो हुआ है वो गलत हुआ है, प्लीज दरवाजा खोलो, मेरे बात करनी है। मुझे वाकई छोड़ देंगे? तो मैं इतना कमजोर लगता हूं कि कोई भी मुझसे अपनी मर्जी के फैसले करवा सके? लेकिन आंटी तो यही चाहती है। कौन क्या चाहता है मुझे से फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए सिर्फ ये मैटर करता है कि मैं क्या चाहता हूं। अलावा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? उष्णा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया? सब डर अपने दिल से निकाल दो, तुम्हें मुझसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। Promise.
सर शेरो साहब मिल गए हमें। मिल गए आपके साहब आ गए। शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें नुकसान से बचा लिया। आप घर छोड़ के चले गए हैं, इनकी तबीयत खराब हो गई। ये किस्से कब इख्तिताम पर पहुंचेंगे? हमें क्या जरूरत थी आपको आने की बेटे? के जनाजे को कंधा देने आ जाते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप? कैसा फील कर रही हैं आप? ठीक हूँ। क्यों भाई आप लोग इनका ख्याल नहीं रखते? लगता है कि इन्होंने खाना पीना छोड़ रखा है। अगर इनकी यही कंडीशन रही तो इनकी हालत सीरियस हो सकती है, तो प्लीज आप लोग इनका ख्याल रखें। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। चला तो गया था मैं, फिर रहती ना आराम से। मेरा चैन, मेरा सुकून सब आप हैं। आपको अब भी ये बात समझ नहीं आ रही शहरोज? आपकी जिद आपकी माँ की जान ले लेगी। कोई रास्ता छोड़ा था आपने मेरे लिए, तो आप ही बताएं मैं क्या करता। मुझे तलाक दे दी। हाँ मुझे तलाक दे दी। उष्णा कुछ बात करने दे मामा, फिर तो हो जाएगी ना आपकी जिद पूरी। वैसे भी इन्हें बीवियां तो कई मिल जाएंगी, लेकिन माँ माँ तो एक ही होती है ना। और मैं इतनी खुदगर्ज नहीं कि एक बेटे को अपनी माँ से दूर कर लूँ, और वो भी उस माँ से जिसने खुद आपको मेरी जिंदगी में शामिल किया था। इतनी कमजोर्फ नहीं हूं मैं कि एक बेटे को उसकी माँ के सामने लाकर खड़ा कर दूँ। आप मुझे दे दें तलाक, मुझे और कुछ नहीं कहना। रुको उष्णा, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने बड़े दिल का मुजाहरा करोगी और मैं कमजोरी दिखाऊंगी? नहीं थी तुम मुझे कबूल, तुम जानती हो क्यों, लेकिन अपने बेटे की खुशी के आगे हार गई मैं। इससे ज्यादा दुनिया में कोई चीज प्यारी नहीं है मुझे। अगर ये नाखुश है तो मुझे जिंदा ही नहीं रहना। हमें छोड़ दी मैंने अपनी जिद, रुखसती की तैयारी करें बाप। मैं जल्द से जल्द अपने बच्चों की रुखसती देखना चाहती। क्या है? बात करनी तुमसे। क्या बात करनी है? क्या गई थी तुम हॉस्पिटल में? क्या कहा जो ठीक लगा मुझे मैंने कह दिया। क्या तुम्हें वाकई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो? बिल्कुल फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? तो फिर ये क्यों कहा कि फर्क नहीं पड़ता? तो और क्या कहती? आंटी और आपको ऐसे जिद करता हुआ देखती रहती, मुझे बस ठीक लगा तो मैंने कह दिया। तुम्हारे खाते में घर छोड़ के चला गया और तुम ये कह रही हो? जी बिल्कुल चले गए थे, लेकिन आंटी की तबीयत का सुनकर वापस भी तो आ गए थे। हाँ लेकिन अपना फैसला तब्दील नहीं किया ना मैंने। कुछ ना
मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन फैसला है तुम में और अम्मी में से किसी एक का इंतखाब करना। वो तो शुक्र है अम्मी मान गई हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा मौका आए कि आंटी या मुझ में किसी एक का इंतखाब करना पड़े, तो हमेशा आंटी का इंतखाब कीजिएगा, क्योंकि माँ दोबारा नहीं मिलती शहरोज। तुम्हें पता है तुम्हारी बातें इतनी खूबसूरत होती हैं कि मेरा दिल चाहता है कि दिल कुछ नहीं करता, रात बहुत होगी और जाकर सो जाएं। इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तुम्हें नींद कैसे आएगी? मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। हाँ तो नींद तो हर हालत में आती है ना। अच्छा हाँ चले जाए। लेकिन मेरा दिल चाह रहा है सारी रात यहाँ खड़े होकर तुमसे बातें करता रहूं। मेरा ऐसा दिल कुछ नहीं चाह रहा, जाए सोने दे मुझे। जाए ना। जा रहा हूँ। हाँ जाए। तुम सीरियस हो? बिल्कुल। मैं जाऊँ? 100%। अच्छा जा रहा हूँ, फिर सोच लो। ओके जाए। Night. बेगम साहिबा, सब नाश्ते पे आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम जाओ, आ रही हूँ। जी खुले हुए। एक साथ सारी ज्वेलरी कहाँ जा सकती है? तुम्हें याद है किसी को दी तो नहीं थी? ढूंढा है सही से? कोई सुई बराबर चीज नहीं थी जो नजर नहीं आई। मेरे सोने के सेट थे, वो सारे डब्बे खाली हैं। अम्मी आप दोबारा चेक करें ना, वहीं पे होगी। सारी जगह देख लिया है, कहीं पे भी नहीं मिली। बाहर से कोई आया नहीं तो फिर घर में चोर है कोई? कहां से आ गया चोर? ज्वेलरी कहाँ है मेरी? जे क्या बता, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कहाँ बेची है तुमने मेरी ज्वेलरी? हाँ एक मिनट रिसा, क्या कह रही हो तुम? अम्मी क्या हो गया भाई, आपकी ज्वेलरी क्यों बेचेंगे? क्यों नहीं बेच सकता, पैसों की जरूरत थी इसे। कोई बताएगा मुझे घर में क्या हो रहा है? इसी से पूछिए। कोई शख्स इसे ब्लैकमेल कर रहा था, मुझे पूरा यकीन है ज्वेलरी इसी ने गायब की है। बताओ कहाँ बेची है, कहाँ गायब किया तुमने मेरी ज्वेलरी? पहले जरा तुम जवाब दो मुझे, अगर ये बात तुम्हारे इल्म में थी तो मुझे क्यों नहीं बताई तुमने? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? क्या बताती, कोई हासिल वसूल होता तो बताती ना मैं आपको। हद है, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। क्या कह रही है तुम्हारी माँ, कौन है ये ब्लैकमेलर? ये ठीक कह रही है, ज्वेलरी मैंने बेची थी, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अपने ही घर में चोरी करते शर्म नहीं आई तुम्हें? तो और क्या करता मैं, क्या करता हूं? आपकी मर्जी के बगैर ऑफिस से एक रुपया नहीं निकाल सकता, घर में आपकी बीवी की चलती है। वो बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मुझे और कुछ समझ नहीं आया, उसका मुंह बंद करने के लिए मैंने ज्वेलरी बेची और उसको पैसे दे दिए। अब प्लीज इसके बारे में मुझसे और कोई सवाल ना करें, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। ढिटाई देखी है इसकी,
अपनी गलती करके कितनी खूबसूरती से हमारे सर डाल दी इसने। मेरी सारी सारी ज्वेलरी बेचती उसने, सारी ज्वेलरी बेचती मेरी उसने। तुम बैठो और बैठ के रोती रहो, इसीलिए सर चढ़ाया था ना, इसी की तारीफ करते तुम्हारा मुंह नहीं थकता था। और मजे की बात तो यह है कि हम कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चोर हमारा अपना बेटा है। जी अच्छा है ना, बहुत खूबसूरत है। आंटी ये अच्छा नहीं है, ये वाला। ये अच्छा है बट वो वाला देखो। आंटी ये बहुत अच्छा है, ये आपकी दादी ने मुझे दिया था मेरी शादी में। खूबसूरत है ना? वैसे तो ये सब आपके ही हैं, पर अभी आप ये वाला रख लें, बाकी मैं लॉकर में रखवा देती हूँ। शादी पे यही पहनना है आपने। जैसे आपकी मर्जी। यार तुम आखिर चाहते क्या हो हमसे? क्यों परेशान करके रखा हमें? आहिस्ता बोले, पहले ही मैंने ये ज्वेलरी चोरी होने वाली बात महनाज को नहीं बताई है, उसे छुपाई है। अगर उसे पता चल गया ना कि ये सुफियान ने किया, तो सारे जहां में ना इश्तिहार छपवा देगी वो। तो क्या गलत करेगी वो? तुम्हारे साहबजादे की हरकतें जो ऐसी हैं। अब क्या कर दिया इसने? क्या क्या बताऊं मैं तुम्हें? एक जिम्मेदारी दी थी इनको, टेंडर भरना था। इनके अलावा किसी को नहीं पता था, वो वक्त गुजर गया, टेंडर जमा नहीं हुआ, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। मैं सुफियान। हाँ तो क्या करूं, नहीं आदरा निकल गया मेरे जहन से, फांसी चढ़ जाऊं इसी बात पे। रवैया देख रही हैं आप गलती करने के बाद? मैं तुम्हें बताए दे रहा हूं रईसा, वो वक्त दूर नहीं है जब इस लड़के की वजह से हमारा दिवालिया निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे ज़ैनब, अरे तुम? ज़ैनब कैसी हो? वहाँ भाई आइए ना, बैठिए ना। ये कार्ड देने आए थे आपको, शहरोज और उष्णा की शादी का कार्ड है, जरूर आइएगा। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। तमगर ये कुर्बत क्या